काल भैरव कौन है? भ भरण, र रमन, व मवन। भरण जीवन, रमन जीवन का चलना और वमन जीवन का समाप्त होना। अब वह जीवन की कोई परिस्थिति भी हो सकती है, वह आपकी जीवन की कोई भी स्टेज हो सकती है, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल्स, आपकी किसी प्रकार की भी जो ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा का निर्माण है, किसी प्रकार की प्राप्ति है या किसी प्रकार को लूज कर देना है, किसी प्रकार का मिलना है या किसी प्रकार का खो जाना है, आपके जीवन में कुछ प्राप्त होना है या कुछ लुप्त हो जाना है, कुछ निर्माण होना है या विध्वंस होना है, सब भैरव तत्व ही है। सबसे पहले काल भैरव, काल कौन है? काल को डर की संज्ञा, काल को डर की संज्ञा क्या दी गई है? काल को डर की संज्ञा दी गई है मृत्यु। क्या मृत्यु उसी वक्त घटित होती है जब के आप मर जाते हैं? नहीं, मृत्यु प्रत्येक पल घटित होती है, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वह आपके रिश्तों की है, चाहे वह आपके समस्याओं की है, चाहे वह आपके स्थितियों की है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मृत्यु तत्व प्रत्येक क्षण में चलायमान है, जैसे कि काल चलायमान है। 2018 था, 2019 आ गया, 2021 भी आएगा, 2050 भी आएगा, हम हो या ना हो, परंतु समय अपनी गति से चलता है। मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, महागुरुओं की भी, और सब अच्छे लोगों की भी, सब बुरे लोगों की भी मृत्यु निश्चित है। सबको, एवरीबडी हैज टू लीव द बॉडी। चाहे वह योगियों ने इच्छा मृत्यु ली, परंतु क्यों काल भैरव? काल भैरव इसलिए क्योंकि समय की इंपॉर्टेंस, समय का ज्ञान, काल का ज्ञान, आज क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, पूरी विधि। काल मृत्यु भी है, काल समय भी है, और समय के कारण ही जन्म होता है और जन्म के साथ ही मृत्यु होती है। जिस समय हमारा जन्म होता है, उसी प्रकार हमारा, उसी समय से हमारा क्षय होना शुरू हो जाता है। हम पहले बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है और साथ में हमारी उम्र घटती भी है। मृत्यु जीवन साथ साथ चलते हैं, मृत्यु जीवन एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, और मृत्यु के लिए तैयारी होना और जीवन की तैयारी होना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। जीवन की प्रत्येक स्टेज को क्रॉस करना, प्रत्येक स्थिति को पाना, प्रत्येक परिस्थिति को समझना, ऊर्जा के प्रत्येक स्तर को समझना, हमारे जीवन को पूर्णता से जीना, भोग का भी आनंद लेना और मोक्ष का भी लक्ष्य रखना, यह हमारा जीवन है। और महाविद्याएं आप सबको वह स्थितियां देती हैं, वह केवल मंत्रों से नहीं आती, महाविद्याएं मंत्रों से बहुत परे हैं। आज के समय में सबसे बड़ा जो प्रचलन चल रहा है, वह महाविद्याओं के प्रयोग का चल रहा है, परंतु महाविद्या का साधक इन मंत्रों से बहुत ऊपर होता है। महाविद्या का साधक यो मा पश्यति सर्वत्र में विश्वास करता है, यत्र तत्र सर्वत्र, सर्वस्थान में, जीवन की हर एक स्टेज में उसको प्राप्त करता है। महाविद्या का साधक केवल यज्ञ में अग्नि नहीं डालता, अपने जीवन को यज्ञ बनाता है। महाविद्या का साधक वह है जो काल भैरव को समझ के, काल की शक्ति को समझ के, काल की शक्ति के इम्पोर्टेंस को समझ के, अपने जीवन की उस स्टेज को समझ के, क्रॉस करके उच्चता, संपूर्णता और एक उत्तम जीवन की तरफ बढ़ता है, सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ता है, जहां के कुछ भी ना हो, कोई क्षय ना हो, जहां पे
आप स्वयं को प्राप्त कर चुके हो, मृत्यु आ भी जाए तो कोई नहीं। तो इसलिए मंत्रों की तरफ चलने से पहले, महाविद्या के मंत्रों की तरफ चलने से पहले, सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, महाविद्या के मंत्रों की तरफ चलने से पहले उनके तत्व को समझ लीजिए, नहीं तो महाविद्याएं, वो ऊर्जा, वो महान ऊर्जा, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आपको मिलेगी, आप उसका क्षय कर लेंगे। वह शक्ति जो समय के साथ चलना आपको सिखाए, जो आपकी मानसिक स्थिति और ब्रेन उसको समय की चाल, समय का वर्तुल समझाए, काल भैरव, वह शक्ति जिसमें के समय का वर्तुल समझ के अपने एक्शंस को अंजाम देना, काल भैरव समय के साथ चलना सिखाते हैं। और जब तक आप समय के साथ नहीं चलते, क्या आप लगाम लगा सकेंगे? यदि आपने अपने अंदर के उन तत्वों को नहीं जाना, यदि आपने अपने अंदर की उन एनर्जीज को नहीं पहचाना, यदि आपने अपने जीवन में भोग, मोक्ष, अर्थ, काम सब चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं जानी, रिश्तों की इंपॉर्टेंस नहीं जानी, उन्हें निभाना नहीं जाना, तो क्या आप उस स्थिति में पहुंच पाएंगे? मुझे नहीं लगता। उस अनंत सत्ता की तरफ जाने के लिए हमें अपने जीवन को पहले जानना होगा। और काल भैरव वह शक्ति, वह समय की शक्ति जो कि दोगुनी होकर साधक के अंदर विद्यमान होती है, भैरव, भरण, रमन और वमन, जीवन की प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति में वह काल की शक्ति, आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक। महाविद्या का साधक, 10 महाविद्या का साधक क्यों काल भैरव की पूजा पहले करता है? ताकि उसे समय का ज्ञान मिले। मेरे सांस चल रहे हैं, मेरे सांस चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? मेरी एग्जिस्टेंस क्या है? मुझे ये नहीं है कि आज मैं अगर मैं साधक हो गया तो बस गुरु गंभीर हो गया और सब छोड़ दिया मैंने और बस बैठ गए। गुरु गंभीर से मतलब ये नहीं है कि गुरु की तरफ गंभीर, गुरु की तरफ तो गंभीर रहना ही चाहिए। उनका किया हुआ आपके लिए बहुत कुछ होता है जो आप नहीं जानते हैं, परंतु वह किस प्रकार से मातृभाव से, पितृभाव से आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप उस जगह पहुंच सकें कि लोग आपको जान सकें, आप खुद को जान सकें। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे जाने, कौन नहीं चाहता, मैं भी जानता हूं, आप चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, परंतु क्या हम खुद को जानते हैं? पहले हमें खुद को जानना होगा, मैं हमेशा कहता हूं, और अंदर के समय को ही संभालना होगा सबसे पहले। ठीक है मित्रों, काल भैरव की पूजा इसलिए क्योंकि समय का ज्ञान मिले। अभी उनके सृष्टि में विद्यमान होने को जानेंगे। आज तक सबसे बड़ी कमी यही रही है, बींग साधक मैं भी यहाँ पे कम था, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी समस्याएं आई। मैं नहीं चाहता कि वो आज के समय में जो लोग जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, मैंने कुछ समय जो अपना व्यर्थ किया होगा, या मैंने कुछ गलतियां की होंगी, अपने गुरु से डांट खाई होगी, या गुरु से दूरी सही होगी, या मेरी अपनी लाइफ में जो समय चला गया, उस समय को क्या मैं रोक सकता हूँ? नहीं। परंतु उस समय की तरफ ना जाकर मैं आज के समय में जो मेरी टाइम की डिमांड है, जो मेरे काल की इस वक्त की शक्ति है, मैं उसको साध्य करूंगा। साधक उस काल की शक्ति को समझता है। साधक महाविद्या उस काल के वर्तुल को पहचान कर अपना प्रयोग करता है।
और तंत्र का प्रयोग यह नहीं है कि केवल मंत्रों से होता है, तंत्र का प्रयोग आपके एक्शन से, आपके ज्ञान से, आपकी समझ से, आपके प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में उसको हैंडल करने का तरीका आपका क्या है, इन ये सब तंत्र ही तो है। और काल भैरव उन सभी शक्तियों में विराजमान जो समय की चाल में आपको लेके जाती हैं या निकालती हैं, इसलिए काल भैरव को समझना बहुत जरूरी है। एक टॉपिक हो गया हमारा। दूसरा टॉपिक है कि महामृत्युंजय विद्या। मान लीजिए आप अपने समय का क्षय कर चुके हैं, उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी आप में आई है। अब महामृत्युंजय विद्या क्या है? महामृत्युंजय विद्या वह विद्या है जो कि आपको उस डीजेनरेशन से रीजेनरेशन की तरफ लेके जाती है। काल की शक्ति को समझना सबसे पहला काम, भैरव की शक्ति को जानना, काल के भैरव को जानना, भरण रमन वमन की शक्ति को समझना और उन्हीं भैरव के शिव रूप जो कि शक्ति के अधिष्ठाता हुए, जो कि शक्ति अनादि। मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, जो मैंने अधिष्ठाता शब्द यूज किया वह आपकी शक्ति के अधिष्ठाता है, और शक्ति उनकी संगिनी है। समय के साथ तंत्र का प्रयोग होना, यह हमेशा मैं कहता हूं, समय को समझना हमेशा कहता हूं। शिव मैंने एक दिन बात की थी कि जीवन को जानना है। अब मान लीजिए शक्ति जीवन है, हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को हैंडल करना है। जीवन को जानना है तो पहले क्या करना होगा? पहले मृत्यु को जानना होगा, क्योंकि जीवन जहां खत्म होगा सबसे पहले हम लास्ट सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो जीवन को जानना है तो मृत्यु को जानो, मृत्यु को जानना है तो पहले जन्म को जानो। वह यात्रा शुरू कहां से हुई? इसलिए समय को जानना है तो पहले समय के अंत को समझना होगा कि आज हम जहां हैं अगर उसी स्थिति में रहे तो इसका अंत यह होगा, और उसमें बदलाव लाना है तो हमें समझना होगा कि उस अंत का मूल क्या है, जो आज हो रहा है उसका मूल क्या है, उसका बेस क्या है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। इट स्टार्टेड विद व्हाट? इट स्टार्टेड विद बर्थ एंड रेस्ट। भरण को समझ के, रमन को समझ के, वमन को समझ के हम अपनी उन कमियों को दूर करते हैं, अपने आप को, हमारे अंदर जो निगेटिविटीज हैं या फिर विजातीय ऊर्जाएं हैं या फिर जो घास पात हमारे अंदर है हम उसे छांटते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, और वो छांटा जाता है रीजेनरेशन से। जो सेल्स हमारे डीजेनरेट हो गए हैं क्या हम उसे रीजेनरेट नहीं कर सकते? मैंने पहले भी बताया कर सकते हैं, उसे कायाकल्प कहते हैं, और भी बहुत कुछ है।